हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, क्या आपको पता है राजस्थान के रेगिस्तान में एक इमेजिंग सा स्कूल खोला गया है, जो कि जब मैंने आपको पहले बताया था ना कि जो पिरामिड बनाया गया है उसमें एक ऐसा इंटीरियर पिरामिड है जिसमें हवा और मॉइस्चर घुसता है, जिसके चलते हवा का टेम्परेचर अंदर का हमेशा कॉन्स्टेंट रहता है और कोई जरूरत नहीं पड़ती नेचुरली नेचुरल एसी जिसे कहते हैं। जस्ट एक आर्किटेक्ट के माइंड से वहाँ ही एक स्कूल बनाया गया है राजस्थान में, जिसके अंदर कोई एसी नहीं है बट फिर भी वो कूल एंड नॉर्मल रहता है, वो भी रेगिस्तान के बीच में। ये इंडिया में मौजूद है सबसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कूल में से एक है, राजकुमारी रत्नावती गर्ल्स हाई स्कूल इसका नाम है। और जिस जगह पे ये बिल्डिंग है उस जगह पे 50 डिग्री तक गर्मी होती है बट ये बिल्डिंग्स उसको भी नॉर्मल टेम्परेचर में बदल देता है। इस बिल्डिंग में ऑटोमेटिकली एयर एंड लाइट ऐसे तरीके से घुसता है कि अंदर का ठंडा रहता है हमेशा। इस प्रोजेक्ट को CITTA ने फंड किया था, जो कि US की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, और आर्किटेक्ट थे डायना क्लॉक, जो कि इसको डिजाइन किए थे और इसे बिल्डिंग ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। ये जिस लैंड पे बना हुआ है, इस लैंड के मालिक है महेंद्र सिंह शेखावत, जो कि सूर्यागर प्लेस होटल के मालिक है, जो कि जमीनों को फ्री में वहां के गर्ल्स एडुकेशन के लिए डोनेट कर दिए हैं। बट इंडिया के सबसे यही स्कूल में से बनाया गया इसके बिल्डिंग्स को डिजाइन को आप अगर कॉन्सेंटली देखो तो कंप्यूटर की पढ़ाई, कंप्यूटर की सेंटर, लाइब्रेरी और भी बहुत सारे फैसिलिटी असल में अवेलेबल है। इस स्कूल को हाल ही में खोला गया था बट अभी जो कंडीशन चल रहा है वर्ल्ड का, इसीलिए उसको डिले कर दिया गया है। एंड सबसे अमेजिंग बात ये है कि बहुत कम लोगों को इस स्कूल के बारे में पता है, एंड ये जब ओपन होगा तभी ये शायद मिस्ट्रिंग न्यूज में आएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना।